दोस्तों चालू करते हैं आज की मीटिंग। जी हम बाहर से दे रहे हैं, हमको थोड़ा सा आवाज़ कम आ रहा होगा लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आवाज़ देने की। तो फटाफट से चालू करते हैं क्योंकि थोड़ा छोटा सा वीडियो होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है बाहर है। तो चलिए दोस्तों टेक न्यूज़ चालू करते हैं। उससे पहले दोस्तों बता दो, अगर आपने हमारे चैनल पर मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम हमारे लखलानी, आप देख रहे वी एच एल जी हमें और अगर नए हो तो सबसे पहले आपका एक बड़ा ग्रैंड वेलकम है। एक चीज़ का नाम भूलेगा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन मुझे ऑल कीजिए ताकि मेरे वीडियोस के आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलते रहे। और मैं आपको समझना, मतलब मैं थोड़ा आगे आ रहा हूँ और ये प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को, हम स्टूडियो में नहीं है आज तो इसलिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं पहली खबर की, वो आ रही है यहाँ पर दोस्तों इस साल के Q3, जी हाँ Q3 2019 में सबसे ज़्यादा कौन सा फ़ोन बिका, तो वो है iPhone XR। जी हाँ iPhone XR सबसे हाईएस्ट बिका है। अगर हम बात करते हैं 2019 के Q3 की तो सबसे हाईएस्ट बिका है। जी हाँ, वैसे आपके पास iPhone XR है तो ज़रूर से इस वीडियो पे कमेंट कर। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले खबर के बारे में। पर WhatsApp में फाइनली रोल आउट चालू हो चुका है, आपको डार्क मोड मिलेगा। जी हाँ, तो अगर आप तो डार्क मोड अभी आप WhatsApp पे रोल आउट हो चुका है, अगर आपके फ़ोन पे आ गया हो तो देख लीजिएगा, शायद आ ही गया होगा। अगर आया है तो भी कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों और बता अगले खबर की बारी। यहाँ पर चाइना शायद से, जी हाँ शायद से अब चाइना डिजिटल करेंसी पे उतर सकती है। जी हाँ, तो अभी वो लोग कह रहे हैं कि हम पब्लिक टेस्टिंग चालू करने वाले हैं डिजिटल करेंसी की। तो जी हाँ, डिजिटल करेंसी की पब्लिक टेस्टिंग चाइना यहाँ पे करने वाला है। चलिए दोस्तों और पता अगले खबर की और। यहाँ पर मीडिया टेक की तरफ से दोस्तों, मीडिया टेक ने लॉन्च कर दिया अपना Dimensity 800। पहले लॉन्च किया था Dimensity 1000, अब उन्होंने लॉन्च कर दिया Dimensity 800 जो कि 5G पे ही है। और ये वो अनाउंस हुआ है, सॉरी लॉन्च नहीं किया, अनाउंस किया है मीडिया टेक ने। चलिए दोस्तों और पता अगले खबर की और। यहाँ पर सैमसंग की तरफ से दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी S10, जी हाँ सैमसंग गैलेक्सी S10 रहने वाला, उसका नाम होने वाला सैमसंग गैलेक्सी S11। नहीं आपको ऐसा लग रहा था, लेकिन नहीं सबको ऐसा लग रहा था, लेकिन उसका नाम होने वाला है सैमसंग गैलेक्सी S20। और उसके साथ में जो नोट सीरीज आएगी अगले साल की वो भी होने वाला है सैमसंग गैलेक्सी Note 20। आपको भी लग रहा था कि अगले खबर के बारे में, सैमसंग की तरफ से वापस सैमसंग ने कहा कि दोस्तों नियॉन, जी हाँ उनका नया मतलब कुछ क्लोज टू रियलिटी प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, सैमसंग का नियॉन नाम है उसका। तो जी हाँ, वो पता नहीं क्या है वो, अब देखते हैं जब आएगा तब आपको बताएंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले खबर की। वहाँ पर रियलमी की तरफ से दोस्तों, Realme X50, जी हाँ कल अनाउंस हो चुका था, मैंने आपको कल बताया नहीं, आई मीन टेक्निक ही नहीं दी तो। लेकिन दोस्तों वो 7 जनवरी को लॉन्च होने वाला चाइना में, इंडिया में अभी टाइम है। तो उसका मतलब बॉक्स बाहर आ चुका है येल्लो कलर का, आप देखेंगे Realme X50 लिखा हुआ है। और उसकी जब प्रोसेसिंग मतलब वो बन रहा था तभी भी मतलब आपको झोल पछोल जैसे कुछ क्या उसको फोटोज है, मैं आपको दिखा नहीं सकता, इट्स कॉपीराइट है। तो जी हाँ ऐसा कुछ होने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये लीक है, आई मीन रियली फोटो ही है। तो देखते हैं जब आएगा तब देखेंगे, आपको भी जरूर से बताएंगे। 7 जनवरी दूर नहीं है दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं फाइनली अगले खबर की। वो यहाँ पर Redmi Note 9 Pro, मतलब अभी तो Note 8 Pro आया था, मुश्किल से अक्टूबर में Note 8 Pro आया था, मार्च या फिर फरवरी या फिर मार्च में दोस्तों रेडमी का नोट 9 प्रो लॉन्च होने वाला है चाइना में। अब इंडिया में देखते हैं कब आएगा। और
तो इसी के साथ खत्म होती है आज की भी टेक्निकली। हाँ, बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्म थी, इतनी नहीं थी, बट फटाफट आपको दे दी, 5 मिनट में पूरी टेक न्यूज़ ख़त्म कर दी। सोचिए क्या रोज ऐसा ही करे, सीधा फटाफट से आपको टेक न्यूज़ दे, कमेंट में जैसे बताना। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ, अगले डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। अच्छी लगी है लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से करना।